हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं ढोकला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों के लंच के लिए था। लंच के लिए ले जाने वाले थे स्कूल में, तो उसी वजह से मैंने बनाया बच्चों के लिए। और जो सुबह में जो ब्लॉग गया है वो कल का ब्लॉग था, तो मैंने शूट किया था लेकिन मैं सेंड नहीं कर पाई, अपलोडिंग नहीं कर पाई। एडिट नहीं किया था मैंने, तो अपलोडिंग भी नहीं कर पाई। तो मैंने एक टब था छोटा वाला, उसमें मैंने 1 कप भर के बेसन ले लिया है। और उसके बाद बेसन में मैं डालूँगी चीनी थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी येलो वाला। और ये मैं दही डाल रही हूँ उसमें। सब इकट्ठे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी डाल के। तो मैंने देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसको फूलने के लिए रख दिया था, थोड़ी देर फूल गया है। तो मैं इसको एक जिसमें बर्तन है ना बनाना है जिसमें, उसी बर्तन में मैं इसको अच्छे से निकाल दे रही हूँ। और जल्दी जल्दी में मुझे मिला नहीं कुछ बर्तन हाथ से निकालने के लिए, तो मैं तो हाथ से निकाल रही हूँ। तो मेरा हाथ से निकल जा रहा है, ये देखिए मैंने निकाल दिया। इसको थोड़ा सा टैप टैप करके मैं रख दूँगी पकने के लिए। और मैंने इधर रखा हुआ है पानी उबलने के लिए रखा था, तो मैंने उसे उबले हुए पानी के ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने रख दिया इसको। और ये देखिए थोड़ी देर 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, और अच्छे से ये पक गया है, एकदम बढ़िया सा फूल गया। अभी मैं आप लोगों को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मतलब बना है, इतना स्पंजी बना है। और ये मैंने घी डाला तड़के के लिए, ढोकला के घी डाल के इसमें मैं थोड़ा राई डालूंगी, पीली वाला राई। देखिए पीली वाला सरसों, जो मतलब सरसों बोलते हैं, राई भी बोलते हैं सरसों भी बोलते हैं। तो मैंने ये दोनों राई डाल दिया है इसमें। थोड़ा राई ब्लैक हो जाए तो उसमें मैं हरी मिर्च काट के डालूंगी। हरी मिर्च आप जब भी डालिए ना तो कट करके ही डालिएगा, पतला पतला एकदम शेप में। देखिए इस तरह से मैंने चीरा लगा दिया है। उसको मैं अब अलग कर लूँगी, अलग करके उसमें डाल दूँगी तड़के के लिए। थोड़ा दूर हट के तब फिर काम करिएगा इसको, नहीं तो इसमें का जो बीज होता है ना हरी मिर्च का बीज, वो आँखों में चला जाता है। तो इसी वजह से दूर थोड़ा रह के काम कर। ये देखिए अच्छे से भुन जा रहा है, और इतना ही मतलब हरा हरा ही भुनना है हमको, पूरा एकदम मतलब काला नहीं करना है जैसे हम लोग तड़के के लिए देते हैं दाल वगैरह के, तो वैसे हम लोगों को नहीं करना है, सिर्फ बस उतना ही करना है। उसके बाद मैं चीनी डालूंगी, चीनी डाल के उसके बाद उसमें पानी डालूंगी, फिर नमक थोड़ा सा डालूंगी। और ये सब डाल के अच्छे से उबाल लूंगी एकदम, जब पानी मतलब 1 कप से कम पानी रहे, पूरा ज़्यादा ना रहे, 1 कप से कम रहे। देखिए मैंने आधी कटोरी पानी लिया था उसमें भी मैंने बचा लिया है पानी, तो इतना पानी रहे। और उसके बाद इसको अच्छे से मतलब पानी 1/4 पानी जल जाए और 3/4 पानी इसमें रह जाए, तो समझिए हमारा तड़का ढोकला का तैयार हो गया है। तो जब मैं देखिए मेरे तड़के में उबाल आ रहा है, इसका ढोकले का तड़का जो है इसी तरह से लगता है। अभी आप लोग देखेंगे कि मतलब दीदी ऐसे क्यों तड़का लगा रही है, लेकिन ऐसा ही है, मतलब इसी तरह से बनाया जाता है। इसका तड़का जो है तैयार किया जाता है इसी तरह से। तो देखिए एकदम अच्छे से तैयार हो जा रहा है। फिर इसमें मैं थोड़ी देरी तक चलाती रहूँगी बीच बीच में, ताकि जो चीनी है नीचे बैठे ना अच्छे से, एकदम चलते रहे और मेरी पानी में अच्छे से मिल जाए चीनी। तो देखिए मैं अच्छे से चला ले रही हूँ, मेरा तड़का एकदम तैयार हो जा रहा है। और अभी आप लोग देखेंगे ना मेरा मनु, ढोकला जब मैं बना चुकी तो मेरा मनु जो है रोटी बनाएगा। और वो देखिए मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, अब एकदम मेरा तैयार हो गया है तड़का अच्छे से। अब मैं ढोकला दिखाऊंगी आपको कैसे बन के तैयार। ठंडा हो गया है मेरा ढोकला, एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है। देखिए आप लोग, मैं इसको टैप टैप करके अच्छे से निकाल लूँगी। देखिए मैंने फूड पेपर लगाया था ना, इसी वजह से बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि स्टील का मेरा डब्बा था ना पूरा, वो एल्युमिनियम का था नहीं, तो स्टील के डब्बे की वजह से एल्युमिनियम पेपर लगाना पड़ता है, क्योंकि चिपक जाने का डर रहता है ना नीचे, स्टील में जल्दी पकड़ लेता है, तो इसी वजह से मैंने इस तरह से किया है। देखिए अच्छे से बनता है, अच्छे से निकला है एकदम पूरा बढ़िया सा।
देखिए एकदम बहुत बढ़िया निकला है, एकदम बड़ा स्पंजी बना है। मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बच्चों को लंच ले जाना था ना, इसी वजह से मैं तुरंत ही कट कर दी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी उनको जाना भी था। ये देखिए कितने अच्छे से, मतलब कट भी हो रहे हैं कितने अच्छे से। देखिए अब मैं इसके ऊपर तड़का तड़का जो है मैंने लगाया है, जो तड़का वो मैं डाल दूंगी इसके ऊपर बारी बारी से, साइड साइड, एक ही बार नहीं ऐसे सारा डाल दूंगी, चम्मच से मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, उठा उठा के सब पे बारी बारी से घुमा घुमा के। अब तड़का पड़ते ही देखिए इसका ढोकली का मतलब कितना अच्छा लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत, सच में बहुत यमी बना था। मतलब खुद की तारीफ खुद ही नहीं करनी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बना था। हम मैं खाई, बच्चे खाए, सब लोग खाए, सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और आप लोग भी इस तरह से कभी बना के खाइएगा, बताइएगा कि मतलब कैसा बना है कैसा नहीं, और दीदी कैसी बनाई थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एकदम लग ही नहीं रहा था, मैं आप लोग दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी बेटी पैक कर रही है खाना अपने टिफिन के लिए, तो वही मैं निकाल के एक दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितना स्पंजी बना। और मैंने जो तड़का का डाला है ना, ये तड़का जो मैंने डाला देखिए एकदम अच्छे से मिल गया है चारों तरफ से। और ये देखिए मेरा मनु उसके बाद आया, बैठ के रोटियां बना रहा है, बोला मम्मा आ जाओ रोटी पर। चला जल्दी जल्दी बेला, चारो रोटी बाबू बेलल है, बाबू बेलत है। रुका रुका घुमा दे बाबू, रुका हम सेकत भर बाटी बाबू बेल। हाँ ठीक है ठीक है, तुम चलो बना, रुको चलो 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 बना दे। और बाबू ने रोटी बना लिया था, तो मैंने सब्जी कटहल की बनाई है। आज कटहल की सब्जी देखी मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स निकाल के न रखा है। आज मैंने इस तरह से पूरा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से एकदम निकाल के रखा। तो मैंने जीरा डाल दिया है और मेथी डाल दिया है, उसमें लहसुन डाल दिया है तड़के के लिए। और अब इसमें देखिए मैंने तेल पहले से डाल रखा था कुकर गर्म होने के लिए, मैं कुकर में बना रही हूँ। और कटहल भी मैंने कट करके रख लिया है पहले से, तो मैं इसमें लहसुन अदरक और मिर्च डाल के अच्छे से चला ली रही हूँ, तड़के के साथ भून लूँगी अच्छे से। और ये ना मैंने स्टैंड पे नहीं लगाया है, फ़ोन हाथ में ले ली हूँ, क्योंकि कुकर में दिख ही नहीं रहा था स्टैंड से, स्टैंड छोटा पड़ जा रहा था और कुकर बड़ा पड़ जा रहा था, तो अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा इस तरह से आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं ऊपर से भी प्याज डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा डाल दिया था पहले से थोड़ा सा, लेकिन अब और मैं डाल रही हूँ इसमें। देखिए अच्छे से पूरा प्याज में पकाऊंगी नहीं, बस हल्का सा भूनूंगी। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी कट करके रखा है मैंने, बस वही टमाटर अब मिलाना है। तो वही टमाटर अब इसमें मिला लूँगी हल्का सा, वो ब्राउन हो गया है प्याज, तो मैं इसमें मिला लूँगी टमाटर। अब आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल ऐसे सिंपल है कटहल की सब्जी। कभी आप इस तरह से बना के देखिए ना, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊँ मैं। मतलब मेरे घर में बच्चे नहीं खा रहे थे, बाबू नहीं खाता है ये सब, लेकिन मैंने जब बनाया उसको खिलाया ना, तो सब बच्चे सारे बच्चे खाने लगे। मैंने इसमें टमाटर के बाद मैंने मसाला मिला दिया है, सारा मसाला इकट्ठे ही मैंने डाल दिया है, धनिया है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, सब डाल के उसके बाद अच्छे से मिला के फिर मैं इसमें जो मैंने कटहल कट किया था ना वो मैं डाल दे रही हूँ। उसमें उबला कटहल नहीं है, ये कच्चा कटहल है जो काट के मैंने रखा था। और कच्चे कटहल की बनाओ ना सब्जी इस तरह से, इतना बढ़िया बनता है कि क्या बताऊँ मैं। उबाल के मत बनाओ, उबालने से
इसका टेस्ट भी अलग होता है, चला भी जाता है टेस्ट इसका। इस नाते जब भी बनाओ तो कच्चा ही बनाओ, कच्चे कटहल की सब्जी बनाओ। तो देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है इसको, बहुत अच्छे से सब ओर से चला के फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी। पहले मैं पानी डालूँगी उसके बाद नमक डालूँगी। देखिए मैं उसी के अनुसार नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ और उसी के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। हाँ, दोनों डाल के इकट्ठे चला के फिर उसके बाद इसको बंद कर दूँगी मैं और सीटी लगने का इंतज़ार करूँगी, 4-5 सीटी लग जाए अच्छे से पूरा एकदम बढ़िया से। और उसके बाद मैं इसमें पहले धनिया की पत्ती पहले मिला के उसके बाद बंद करूँगी ताकि इसका टेस्ट भी इसी में रह जाए, धनिया का अच्छे से मिल जाए। तो मैं इसमें देखिए मैं बंद कर दे रही हूँ अच्छे से। और ये आप लोग देख रहे होंगे ना कुकर कितना गंदा है, इसमें मैंने पहले चावल बना रखा था इसी वजह से ऐसा लग रहा है। तो मैंने चावल बना के निकाल दिया था, उसके बाद इसी कुकर में फिर दोबारा से मैंने बनाया। और ये देखिए सीटी लगने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, कटहल की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है। और आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा, एक बार देखिएगा कैसा बना है मेरे चैनल पे। अगर और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच।